पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस और फिर हमने स्टडी किया था रिलेशन के टाइप्स को। तो हमारे पास तीन टाइप के रिलेशन बने थे, पहला था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेंटिक और तीसरा था ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार हम लोग इन रिलेशंस को क्या कर देते हैं, फिर से रिकैप कर लेता हूँ मैं। तो पहला जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था उसमें क्या होता था कि जैसे आर को रिलेशन हमने किसी सेट में डिफाइन किया हुआ है, तो उस सेट का एवरी एलिमेंट अगर खुद से कनेक्टेड है अंडर दैट रिलेशन, तो हम कहते थे कि वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दैट इज ए बिलोंगिंग, ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू दैट सेट ए। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए कॉमा ए जो ये टू टप्पल है, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा रिलेशन हमारा आया था सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में हमने कहा था कि अगर उस सेट में कोई एलिमेंट ए जो है बी से कनेक्टेड है, दैट इज ए रिलेटेड टू बी, और ये किसको इम्प्लाइज कर रहे हैं, बी रिलेटेड टू ए को इम्प्लाइज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा रिलेशन हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में हमने कहा था कि अगर ए रिलेटेड होता है बी से एंड बी रिलेटेड होता है सी से, तो ए किसको इम्प्लाइज करेगा, सी को इम्प्लाइज करेगा। ए किससे रिलेटेड होगा, सी से रिलेटेड होगा। दैट इज आप ऐसा भी समझ सकते हैं इसमें कि जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट हैं ए बी एंड सी, और ए हमारा रिलेटेड है किससे, बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ये क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तब और तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसे मैंने एक बात इम्पोर्टेंट कही थी, मैंने कहा था कि अगर जैसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को देख रहे हैं, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तभी हम देखेंगे कि बी रिलेटेड टू ए उस सेट में है कि नहीं है। अदरवाइज ये नहीं होगा कि अगर ए रिलेटेड टू बी नहीं है और वी आर फाइंडिंग बी रिलेटेड टू ए इन दैट सेट, सो दैट वोंट मेक इट सिमेट्रिक। अब ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स लेता हूँ आर, इसको मैंने बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसमें जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया हुआ है वो इस टाइप से है कि आर रिलेशन इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी। सो अगर ए बी से कनेक्ट होता है तो वो केवल तभी होता है जब ए जो है बी से लेस हो। अब हम चेक करेंगे कि जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर में, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव, राइट, सेकेंडली सिमेट्रिक, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आप देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए। हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव तब ये रिलेशन बनेगा जब ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर विल बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए एलिमेंट जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। सो इफ आई से दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, ए इस दूसरे टप्पल ए से कब कनेक्ट होगा, जब a इस a से क्या होगा, लेस, मींस a मस्ट बी लेस देन a। बट आपको पता है कि रियल नंबर के सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी एलिमेंट अपने आप से लेस नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बट a कैन नॉट बी लेस देन a, कोई भी एलिमेंट अपने आप से छोटा नहीं हो सकता है। सो दिस रिलेशन इज not reflexive, right, means कोई भी element अपने आप से connected नहीं हो सकता है। Secondly, we will check symmetric relation. Let's suppose a comma b एक tuple है जो इस relation R में fall हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि a किससे less than होगा, b से, right? अब a जो है b से less than है, तो क्या b भी a से less than होगा, which is not possible, that is we will write here but b won't be less than a, so b comma a type का जो element होगा वो इस relation R में fall नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ये relation symmetric नहीं, not symmetric। चलिए अब तीसरा रिलेशन हम लोग स्टडी करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो ट्रांजिटिव में मैंने बताया था कि हम लोग दो एलिमेंट पहले लेंगे, लेट इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर। तो हमने दो एलिमेंट लिए हैं आर के, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। मीन्स ए जो है वो बी से रिलेटेड है और बी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से लेस देन होगा एंड बी जो है वो किससे लेस होगा, सी से। नाउ यूजिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स वी विल कंबाइन दिस टू रीजन्स लाइक दिस, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। इट मीन्स फर्दर ए विल बी लेस देन सी, दैट इज ए कॉमा सी टाइप का जो टप्पल होगा वो कहाँ फॉल हो जाएगा, इस रिलेशन आर में फॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन बी, इट इज ट्रांजिटिव ओनली, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगेन सेट ऑफ रियल नंबर में एक और रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं आर, सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट जो है आर में बिलोंग कर रहे हैं इफ एंड ओनली, सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहे हैं इफ एंड ओनली ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी, मीन्स वो बी के इक्वल भी हो सकता है और बी से लेस भी हो सकता है। तो इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशन। तो बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर ए कॉमा ए जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस ए को अपने आप से लेस देन या इक्वल होना चाहिए। बट कोई भी रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है, सिंस ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। और हमने कहा था कि जो ये एलिमेंट ए है इस टप्पल का फर्स्ट एलिमेंट वो दूसरे कंपोनेंट से मीन्स बी से या तो लेस देन होगा या इसके इक्वल होगा। तो जो ये ए कॉमा ए है इस मीन्स ए जो है इस दूसरे टप्पल के इक्वल हो गया, तो वो इक्वलिटी की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ए कॉमा ए जो है आर में बिलोंग करेगा, दैट इज हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो हमेशा रिलेटेड होगा किससे, ए से रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सेकेंडली हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक ये रिलेशन है कि नहीं। तो वी विल कंसिडर अ टप्पल दैट ए कॉमा बी जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने बस ये दिखाना है कि बी कॉमा ए भी जो है वो आर में है कि नहीं। अब बाय द कंडीशन ऑफ दिस रिलेशन इफ ए कॉमा बी आर में है तो ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू बी, ए बी से लेस देन इक्वल हो जाएगा। तो क्या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, सी अगर ए बी के इक्वल है तब तो रिवर्स पॉसिबल है, देन बी विल बी इक्वल्स टू ए। बट इन फिनी केस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, तो बी जो है ए से लेस नहीं होगा, बट दिस बी वॉन्ट बी लेस देन ए, राइट। आई एम नॉट सेइंग इक्वल टू, आई एम सेइंग बी इज नॉट लेस देन ए। तो आप इसमें लिखोगे कि नॉट सिमेट्रिक, और आप इसे काउंटर एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, दो एलिमेंट आप ले लीजिए, राइट, ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू थ्री, देन डेफिनेटली टू कॉमा थ्री कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन आर में, क्यों, बिकॉज टू इज लेस देन थ्री। बट रिवर्स नहीं होगा, बट थ्री कॉमा टू वॉन्ट बी इन आर, ये इस आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन ये थी कि इस एलिमेंट का जो ये टप्पल हमने कंसिडर किया पहला कंपोनेंट दूसरे से क्या होना चाहिए था, लेस, बट इस केस में क्या आ रहा है, थ्री इज ग्रेटर देन टू, तो ये एलिमेंट आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, तो अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग दो एलिमेंट इसमें कंसिडर करेंगे, राइट, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी जो है इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं। We are taking two element a comma b and b comma c R में। हमें दिखाना है कि a comma c जो है R में है कि नहीं। अब अगर a comma b R में है
इसका मतलब ये हुआ कि ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी कॉमा सी भी अगर आर में है इट मीन्स बी विल बी लेस देन इक्वल्स टू सी राइट। अब हम इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी विल बी लेस देन इक्वल्स टू सी। अगेन कंबाइनिंग दिस टू रिजल्ट ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू सी, इसका ये मतलब हुआ कि जो ये एलिमेंट हमारा ए कॉमा सी है ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन आर। इट मीन्स जो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ था ये ट्रांजिटिव है राइट। तो जो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर में वो रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है।